जय माता की, जय गुरुवर की। आप देख रहे हैं युग परिवर्तन यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक गुप्ता। 17-18-19 अक्टूबर को होने वाले महाशक्ति सम्मेलन में आप सभी आमंत्रित हैं। ब्योहारी आने के लिए सभी बसों की जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। आप सभी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और जो भी आपको सही लगे उस बस को चुनें। सबसे पहले आइए रीवा से सिद्धाश्रम की जानकारी देता हूँ। रीवा से केवल 76 किलोमीटर पड़ता है, यानी कि 76 किलोमीटर ओनली। और रीवा आप वाराणसी से, इलाहाबाद से, सतना से, आसपास के कई स्टेट से या जिला से आ सकते हैं आप रीवा। रीवा से बहुत ही नज़दीक पड़ता है, 76 किलोमीटर केवल। और वहाँ से बहुत सी बसें चलती हैं जिससे कि आप आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा जिला आपको सीधी से बस के माध्यम से आप ब्योहारी पहुंच सकते हैं। यहां से केवल 82 किलोमीटर यानी कि 82 किलोमीटर केवल पड़ता है। आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां से भी बहुत सी बसें आपको मिलेंगी ब्योहारी आने के लिए। सीधी आप मिर्जापुर, हलिया, बहरी, सिहावल, कई ऐसे और आसपास के क्षेत्रों से आप पहुंच सकते हैं। बस के माध्यम आपको बहुत दूर से नहीं मिलेंगे, जैसे कि इंदौर, भोपाल, यहाँ से कनेक्शन ज़रूर मिल जाता है, लेकिन इससे वो ट्रेन के लिए आपको बेस्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे बस आपको नज़दीक वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपको तीसरा जिला जो कि शहडोल से केवल 97 किलोमीटर यानी कि 97 किलोमीटर आपको ब्योहारी पड़ेगा। आप वहां से भी बहुत सी बसें चलती हैं, आप वहां से भी बस ले सकते हैं। और बहुत ही स्पेशल बस चलती हैं, लग्जरी चलती हैं, सिंपल चलती हैं, 2x2 जो आप बस की जानकारी आपको भी पता ही होगी। तो आप वहां से भी बस पकड़ सकते हैं। और यहां सभी रीवा, सीधी, जहां से भी मैं बता रहा हूं, वहां से भी ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये सभी जगहों से बस। तो यहाँ से केवल 97 किलोमीटर पड़ेगा, आप यहाँ से बस जरूर लें। और कोई भी जानकारी हो चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर कर दें। अब आपके लिए चौथा जिला जो कि सतना से ब्योहारी आने के लिए 124 किलोमीटर यानी कि वो 124 किलोमीटर की तरफ पड़ता है। यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन आपको बस के माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। सतना भी आप कई ट्रेनों के माध्यम से पहुँच सकते हैं, सतना आके वहाँ से फिर बस ले सकते हैं, बस से आ सकते हैं, लेकिन सतना आप। पांचवा जिला अनूपपुर जो ब्योहारी से 155 किलोमीटर पड़ता है। ये थोड़ा सा काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ से भी बसेस की सुविधा है, यहाँ से भी आप ब्योहारी आ सकते हैं। अनूपपुर कहाँ, कैसे, आसपास के और भी कई जिले हैं जहाँ पे आप अनूपपुर से आए, अनूपपुर से दूसरी बस लें और फिर ब्योहारी आ जाएं। थोड़ी सी ज़्यादा दूर है, लेकिन यहाँ से भी बस मिल जाएंगी और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3-4 घंटे 5 घंटे का समय लगेगा बस केवल। और 17-18-19 अक्टूबर को अवश्य पहुँचें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आगे की सभी जानकारी मैं अपने जो भी मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और सिद्धाश्रम धाम से चलाए गए 2 यूट्यूब चैनल जिसका नाम है BMKS एवं सिद्धाश्रम धाम चैनल, इसे भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी।